कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता नकार नहीं सकता कि जेन ऑस्टन ने अपनी सीमा में रहकर ही कार्य किया ठीक है उसने किसी की क्रिटिसाइज नहीं की बल्कि लोगों ने उसकी बहुत क्रिटिसाइज की ये जेन ऑस्टन के ऊपर है ठीक है तो जेन जेनास्टन के बारे में हम बताएंगे देर इज ओफन पुट फॉरवर्ड एज ए क्रिटिसिजम ऑफ आर वर्क बट फैक्ट रिमेन्स दैट इन हर ओन लाइन ऑफ थिंग्स जेन ऑस्टन रिमेन्स अनसरपास्ट अनसरपास्ट का मतलब होता है अपर्याप्त मतलब कहने का मतलब जेन ऑस्टन की मैंने अभी बताया था जेन ऑस्टन की सबने क्रिटिसाइज की लेकिन जेन ऑस्टन ने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा ठीक है किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा नहीं कर रहे हो करने दो ए, मतलब क्रिटिसाइज मेरी मैं कुछ नहीं जो मुझे अच्छा लगा मैं वही लिखूंगी पर हैव शायद अनी क्वर्ल्ड बाई एनी अदर राइटर्स क्या पता वो दूसरे राइटरों से भिनती सी इज परफेक्ट मिस्ट्रेस ऑफ ऑल सी टच एंड सर्टेनली टच इज नथिंग बट विदाउट इम बैलेंसिंग इट इफ नॉट विद द इम्बेलिशमेंट ऑफ आइडलिज्म और रोमांस कहने का मतलब उसने हर क्षेत्र को दिखाया है अपनी नावलों में इम्बेलिशमेंट जो होता है ना जगमगाया है दिखाया है मतलब उसने ठीक है इम्बेलिश का मतलब सवार दिया है एक तरह से उसने दिखाया है उसने ठीक है हर चीज को एट लीस्ट आइडलिज्म और फ्रोमांस एट लास्ट विद द फ्रैच स्ट्रोक्स ऑफ नेचर नेचर को भी उसने थोड़ा डिस्क्राइब किया है हिज ल्टर्ड लाइफ सेटल सेल्टर्ड लाइफ का मतलब आप जानते हो टूटी हुई आश्रय लाइफ उसकी लाइफ में क्या आश्रय दिया किस किसने उसी की हेल्प की जेनोस्टिंग के सेटल लाइफ कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्यूट द दॉपुलर थे दैट इट इज इम्पॉसिबल इट इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी ए ग्रेट नॉवलिस्ट विदाउट हैविंग हैड ए वाइड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उसे जीवन का बहुत अनुभव था उसने अपने जीवन में ऐसा कोई ऐसे भी कार्य थे ना इम्पॉसिबल उन्हें भी पॉसिबल बना दिया है ठीक है उसने ज़्यादा वर्क नहीं लिखा आप देख सकते हो उसके वर्क पर अपनी दृष्टि डालकर तो उसने बहुत कम लिखा है लेकिन जो भी लिखा है ना परफेक्ट लिखा है ठीक है इन एनी इन एन एज व क्लास डिस्टिंगशंस वर मच शार्पर देन दे आर टुडे एंड वैन इन रूरल इंग्लैंड एट एनी रेट लाइफ सीम्स लाइफ लेसली थ्रेटेंड बाई इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल चेंज हेयर डेज रन अलॉन्ग क्वाइट इन द कंटेंटेड वर्ल्ड ऑफ कंट्री जंट्री एंड द अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को भी उसने अपने में दिखाया आप सोच रहे हो कि ये जो जो भी देखो राइटर के ऊपर जो स्टोरी टाइप लॉन्ग आंसर होते हैं वो तो आप एकदम से याद कर लेते हो लेकिन जो <coughs> जो लॉन्ग आंसर इस तरह से होते हैं किसी राइटर के ऊपर होते हैं तो उन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है उन्हें तो बस हम भी उनका मीनिंग इस तरह से बता पाते हैं जो भी मतलब सेंस के अनुसार निकलता है ठीक है तो कहने का मतलब ये है उसने अपर मिडिल क्लास के बारे में ही बहुत कुछ लिखा है जेना हॉस्टन ने हर लिमिटेड सर्किल लिमिटेड सर्किल क्या क्या था उसका एज ए राइटर सी कन्फाइंड हिमसेल्फ टू हिज दिस वर्ल्ड एब्सल्यूटली पूरी तरह से हर सेल मतलब कन्फाइंड किया दिखाया उसने हर साल अपने आप को वर्ल्ड में एब्सलूटली आल दो यथ पी हर ब्रोदर नारली मिस्ड ट्रेफ्लैगर एंड कंसिन हसबैंड एक्चुअली डाइड उसके जो हसबैंड थे एक्चुअली डाइड हो गए थे कज़न के जो हसबैंड थे डाइड हो गए थे इन पैरिस में पैरिस में ऑन द ग्लू गोटीन ग्लोटीन पर एक जगह का नाम है जेन ऑस्टेन रिमेन क्वाइट इनडिफरेंट लेकिन जेन ऑस्टन ने हिम्मत नहीं हारी बहुत परेशानी आई परेशानी सबके सामने आती है ठीक है तो अपनी परेशानी को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए ठीक है तो बस अपना काम करते रहना चाहिए वही जेन ऑस्टन ने किया है इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार में जो घटित हो रहा था उससे वो बिल्कुल इनडिफरेंट थी अलग थी हर क्रिएटिव रेंज वाज लिमिटेड उसकी जो क्रिएटिव रेंज थी लिमिटेड थी टू हर ओन एंड फैमिलियर सर्किट इन इट्स सोशल मॉरल पार्टिकुलरली इन इट्स फैमिली रिलेशनशिप जेन ऑस्टन हैज़ बीन क्रिटिसाइज बाय वेरियस क्रिटिक्स मैंने अभी बताया था जेन ऑस्टन की बहुत से आलोचकों ने तुलना की है तो यह जरूर यहाँ ध्यान रखना फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर मिस्टर ए जी वेल्स कपल्ड द नेम ऑफ जेन ऑस्टन विद प्रोनेस एंड प्रिजम्स पुरुनेस और प्रिजम्स में एज ने इनकी क्रिटिसाइज की बट इन स्पाइट ऑफ आल दिस इन सब के बावजूद सी क्वाइट मेकिंग हर वे अप एट द हिल मतलब ऊंचाई तक ले गई अपने आप को नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एक्लेमेशन बट कैरिड दे आर बाई द इंसिस्टेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल हु वांट ऑन डिक्लेयरिंग फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बारे में वो लिखती चली गई एंड शी वॉज ग्रेट वो बहुत महान थी पोर्ट्रेट ऑफ कॉमन प्लेस उनने कॉमन प्लेस को कैसे प्रेजेंट किया है अपनी नावलों में तो देखते हैं चार्लोट बेनेट वाज हर ग्रेटेस्ट क्रिटिक चार्लोट बेनेट जो था उसका, उसका सबसे ज्यादा क्रिटिक करने वाला था <coughs> लेटर टू जी एच लव इट वाई डू यू लाइक मिस ऑस्टेन उसने कहा तुम मैस ऑस्टेन को क्यों पसंद करते हो मतलब जेन ऑस्टेन को सो वेरी मच इतना अधिक आई एम प्लस मैं पहली बन गया हूं एक बार ऑन दिस पॉइंट इस पॉइंट पर यू वुड हैव रेदर रिटेन प्राइड एंड प्रोजोडाइज यू वुड हैनी ऑफ दी नॉवल्स जो वेवरली नॉवल्स हैं इट हैड नॉट सीन प्राइड एंड प्यूजाइज टिल आई रीड दैट सेंटेंस ऑफ योर्स एंड देन आई गो बैक द बुक एंड व्हाट डिड आई फाइंड मैंने क्या मैं बुक की तरफ गया और मैंने क्या पाया द एन एक्ूरेट डगर्स इज डगर एन एक्ूरेट डगर टिपिकल पोर्ट्रेट ऑफ ए कॉमन प्लेस ए केयरफुल फाइनेंस्ड हाईली कल्टिवेटेड गार्डन विद नीट बॉर्डर्स एंड डेलीकेट फ्लावर्स बॉट नो ग्लैंस ऑफ अ ब्राइट विविड साइ साइगनोमी नो ओपन कंट्री स्पेस फ्रेश एयर नो ब्लू हिल्स ठीक है कहने का मतलब ये है ये जो उसने दिखाए हैं ये सब उसकी नॉवलों में दिखाए गए हैं आगे अनफिलिंग राइटर्स इन अनोदर लेटर्स सी रोड पैशन आर परफेक्टली अनोन टू हर पैशन उसके लिए पूरी तरह से अनोन थे किसी पैशन पर ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया सी रिजेक्ट इवन ए स्पीकिंग एक्विटेंस परिचित विद स्ट्रॉमी सिस्टरहुड इवन टू फीलिंग सी वॉकशेप्स नो मोर देन एन ऑकेजनली ग्रेसफुल बट डिस्टेंस रिकॉग्नेशन टू फ्रीक्वेंट कंसर्व विद वुड रिफ्यूज द स्मूथ एलिगेंस ऑफ आर प्रोग्रेस जोन ऑस्टन वॉज कम्प्लीटली एंड मोस्ट सेंसिबल लेडी पूरी तरह से कम्प्लीट थी अपने आप में पूर्ण थी और सेंसिटिव लेडी थी समझ एकदम शांत बट अ वेरी इनकम्प्लीट एंड अ रेदर इन सेंसिबल नॉट सेंसिबल वूमैन मतलब सेंसिबल वूमैन थी इन एम्बिग्यस लेडी एक महत्वाकांक्षा लेडी महत्वाकांक्षी लेडी उसे कहते हैं जो कुछ सोचती हो अपने जीवन में करने की बट जेन ऑस्टन हैज़ हर एडम टू जेन जेन ऑस्टन की प्रशंसा भी की गई है इन हर ओन रेंज अपनी रेंज में एंड एड मीटिंग हर कोल्ड व्यूज ऑफ लाइफ टू बी ट्रू मैली क्रिटिक्स अरेस्टेड दैट शी फॉल्टलेस और ऑलमोस्ट फॉल्टलेस टू बी ट्रू टू शो लाइफ इन इट्स एवरीडे डे सो वाज हर एडमिरेशन

लिखा है हर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एक महानतम कलाकार है हर ग्रेट वर्च्यू इज द सॉलिड कंप्लीटनेस ऑफ हर इमेजरी टेनी इट टेनी थी छोटी थी इट वॉज जो वो थी उसने अपने संसार को दिखाया एज ए क्रिटिक से एक क्रिटिक कहता था एवरीथिंग वॉज एक्चुअल टू हर मतलब सब कुछ उसके लिए वास्तविक था जेन ऑस्टेन में भी नेम एज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट उसका महानतम कलाकार के रूप में उसका नाम लिया जाता है दैट हैज एवर रिटेन यूजिंग टर्म टू सिग्निफाई द मोस्ट परफेक्ट मास्टरी ओवर द मीन्स टू हर एंड देर आर ब्राइट्स एंड डेप्ट इन ह्यूमन नेचर मिस ऑस्टेन हैज नेवर स्केटेड मोर फैथम्ड नोर फैथोम देर आर वर्ड ऑफ पैशनेट एक्सपीरियंस इन टू विच सी हैड सी हैज़ नेवर सेट ओ फुट कोई भी ऐसा संसार नहीं था या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ उसने अपने फुट ना रखे हो कदम ना रखे हो जीवन के हर क्षेत्र में उसने लिखा दिस इज ऑब्वियस टू एवरी रीडर्स जो प्रत्येक रीडर के लिए ऑब्वियस है इट इज इक्वली ओबियस दैट शी हैज़ रिस्कड नो फेलियर अटैम्प्टिंग टू डेलीनेट दैट विच शी हैड नाट सीन हर वर्ड में बी रेस्ट्रिक्टेड बट इट इज कम्प्लीट उसने अपने संसार को दिखाया जो पूरी तरह से कंप्लीट था उसने उस संसार को भी दिखाया हर कॉमिक मोड उसका थोड़ा हंसी मजाक का जो मोड है वो दिखाया क्या क्या उसने किया जेनोस्टन हैज़ एक्सप्लोर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस विद ऑल थॉटनेस पॉसिबल टू कॉमिक मूड सी हैज चूजन उसने कुछ हंसी मजाक की बातें भी लिखी हैं अपने नावलों में सी नाउस वो जानती थी वी वन टू डू वो क्या करना चाहती थी एंड विद इन द डेली ब्रेट लिमिट्स और अपनी सीमाओं में रहकर सी हैज अचीव परफेक्शन पूरी तरह से परफेक्शन को प्राप्त कर चुकी है देर आर नो इरर्स ऑफ जजमेंट जजमेंट निर्णय लेने के कोई भी इरर नहीं है उसके अंदर नो लूज एंड कोई भी ऐसी प्लॉट नहीं है जो अंत में कमजोर हो गई है बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट लिखी नो पर्पल पैचेज नो साइन ऑफ केयरलेसनेस कोई भी केयरलेसनेस के साइन नहीं है एंड कंस्ट्रक्शन जो विरोधाभास के साइन भी नहीं है ठीक है प्योरली कन्वर्सेशनल इसे देखते हैं ये जो है प्योरली कन्वेंशनल पूरी तरह से शुद्ध है द हाई ऑफ अ लाइफ एक जीवन का हाईलाइट करते हुए जीवन को इन हर वर्ल्ड वर मॉर्निंग कॉल्स अनएक्सपेक्टेड विजिट शॉपिंग एक्सपेंडिचर्स वेडिंग्स और द पोलाइट क्वेश्चनिंग ऑफ अ न्यू अराइवल द हाइट ऑफ एक्साइटमेंट वॉज अ बॉल और अ पिकनिक इन सभी चीज़ों का उसने अपनी नॉवलों में वर्ण किया है ऑल दीज थिंग्स मेकअप दोलॉट्स ऑफ जेन ऑस्टिन की नॉवल और यही जो सब है ये जेन ऑस्टिन की प्लॉट की क्या है प्लॉट बनी है जेन ऑस्टिन की बट देर इज नेवर एनी पेंडिंग उसने कभी भी अपने कार्य को पेंडिंग नहीं रखा इंपॉर्टेंट पीसिस भी दिखाएं ऑफ इन्फॉर्मेशन सूचना के आर कन्वे जो बताए गए हैं इन द डायलॉग डायलॉग में उसके जितने भी डायलॉग हैं उन सब में आप कुछ ना कुछ देखोगे टेटल टाइम्स वाज वेस्टेड उनने बहुत मामूली सा टाइम वेस्ट किया ऑन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करने में एंड वर्ड देर इज फ्रीक्वेंट इज प्योरली कन्वर्सेशन और जो कुछ उसने लिखा वो प्योर है बिल्कुल शुद्ध है और लास्ट में हमारा जो हैडिंग है जिसका हम सभी बच्चों को इंतजार रहता है कॉन्क्लूजन एंड ऑल ऑफ़ जेन ऑस्टिन्स नावल प्राइड एंड प्यूजुडाइज सभी अर्थों में मोस्ट फुली तरह से कन्वे है बताती है द एटमोस्फेयर वातावरण को ऑफ दिस हैप्पी इस आ, खुशी के टाइट लिटिल वर्ड और जो टाइट लिटिल वर्ड था मतलब जिस संसार में रह के उसने अपने कार्य किए बहुत ज़्यादा वो गंभीर था ठीक है बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियाँ चल रही थी ठीक है और इसके जो बाकी इसकी जो नॉवल आप पढ़ के समझ ही जाओगे एज द क्रूल्स अबाउट जो निर्दयी थे अबाउट एंड करेक्टर्स इमर्ज एंड रिवील दैमसेल्व अपने आप को प्रकट करते थे द रीडर्स फील्स ए कोलेबोरेटिंग ग्लो और रीडर्स भी जो हमारे पाठक थे वो भी कोलेबोरेटिंग मतलब इनके साथ ऐसा महसूस हो गया था इनकी नॉवलों को पढ़ के कि जैसे वो इनके साथ कार्य करना चाहते हो तो आज का वीडियो यहीं तक था आपको वीडियो अच्छा लगा हो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो